हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 21st ऑफ अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस द 4th G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टीरियल मीटिंग इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आपसे पूछा जा रहा है किस स्थान पर 4थी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, केवड़िया या फिर जयपुर। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आयोजन जयपुर में किया जाना है। सो द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टीरियल मीटिंग विल बी हेल्ड इन जयपुर ऑन 24th and 25th अगस्त दिस ईयर। इससे पहले 3 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टीरियल मीटिंग का आयोजन किया जा चुका है, जो मुंबई, बेंगलुरु और केवड़िया में आयोजित की गई है। एंड बोथ मीटिंग्स विल बी अटेंडेड बाई मोर देन 300 डेलीगेट्स इंक्लूडिंग ट्रेड मिनिस्टर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इंटायर स्टेट एज नेचुरल क्लैमिटी अफेक्टेड एरिया। आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। आपके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर बिहार। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश को नेचुरल क्लैमिटी अफेक्टेड एरिया के रूप में घोषित किया गया है। सो द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द मैसिव डैमेज कॉज्ड बाई हैवी रेन एज ए स्टेट क्लैमिटी एंड द इंटायर हिल स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेचुरल क्लैमिटी अफेक्टेड एरिया इन द व्यू ऑफ द डैमेज कॉज्ड टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू हैवी रेन्स। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की भारी समस्या देखी गई थी, जिसका एस्टिमेटेड लॉस जो है वो 10,000 करोड़ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री डिटेक्टेड फर्स्ट केस ऑफ न्यू EG.5 कोविड वेरिएंट इन अगस्त 2023। आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने अगस्त 2023 में EG.5 नामक नए कोविड संस्करण के पहले मामले का पता लगाया है। आपके ऑप्शन हैं ईरान, इराक, कुवैत या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला देश है कुवैत। सो कुवैत हैज़ डिटेक्टेड EG.5 सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन एंड वेरिएंट ऑफ कोविड-19 एंड द स्ट्रेन हैज़ बीन रैपिडली सर्कुलेटिंग इन द US एंड UK सिंस मई। इसके हेल्थ रिस्क की बात करें तो हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद दिस न्यू स्ट्रेन इज करेंटली असेस्ड एज लो। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्लासिफाई किया है एज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपेंड इन विच सिटी। आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला अत्याधुनिक 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में खुला है। आपके ऑप्शन हैं मुंबई, जयपुर, लखनऊ या फिर बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको खोला गया है बेंगलुरु में। सो इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग हैज बीन इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु और इसको इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड द कंस्ट्रक्शन वॉज कैरिड आउट बाई द लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड विद द टेक्निकल गाइडेंस फ्रॉम IIT मद्रास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ इनाग्रेटेड इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 एट विच प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किस स्थान पर भारतीय मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन हैं जयपुर, चेन्नई, गांधीनगर या लखनऊ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मेडटेक एक्सपो 2023 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। सो इंडियाज फर्स्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो, जिसको शॉर्ट में इंडिया मेडटेक एक्सपो कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। और ये 17 अगस्त को लॉन्च किया गया था और इस एक्सपो को कंक्लूड किया गया है 19 अगस्त को। मेडटेक एक्सपो 2023 की बात करें तो ये इंस्पायर्ड है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजन ऑफ मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर।
ये एक्सपो एक यूनिक प्लेटफॉर्म है टू शोकेस द स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेस इकोसिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RBI has launched the Udgam portal to track which of these? आपसे पूछा जा रहा है RBI ने इनमें से किस पर नज़र रखने के लिए उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या फिर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, नंबर ऑफ रूरल ब्रांचेस या फिर डिजिटल पेमेंट इन रूरल एरियाज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्गम पोर्टल संबंधित है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स से। उद्गम पोर्टल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, और इसको लॉन्च किया है RBI ने एंड कैंपेन फ्रॉम टाइम टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द नंबर ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो ये एक तरह का कंप्लेन है, कैंपेन है जो लोगों को अवेयर करेगा ताकि वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। एंड RBI इज रनिंग पब्लिक, तो इस तरह का RBI कई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाती रहती है जिनमें से उद्गम पोर्टल एक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2023? आपसे पूछा जा रहा है विश्व फोटोग्राफी दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस या फिर अंडरस्टैंडिंग क्लाउड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वर्ष वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की जो थीम है वो है लैंडस्केप्स। सो द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन August 19 एंड दिस ईयर द थीम इज लैंडस्केप्स। वर्ल्ड फोटोग्राफी की बात करें तो इसको कॉइन किया गया था बाई सर जॉन हर्शल इन 1939 एंड इन 1861 द थॉमस सटन हैड टेकन द फर्स्ट ड्यूरेबल कलर फोटोग्राफ एंड द फर्स्ट डिजिटल फोटोग्राफ वॉज टू टेकन इन 1957। तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है 19th of August को। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही, धन्यवाद।